बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनान और आप देख रहे हैं हनी स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में कि हम लोग क्रोम के ऊपर ऑफलाइन जो है अपनी एक्सटेंशंस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई या डाउनलोड की हुई एक्सटेंशन को क्रोम ब्राउज़र के अंदर कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाले तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को बज़रिए नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी वीडियोज़ सबसे पहले। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमें भी कमेंट लाजमी कीजिए, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में कि हम लोग अपने कंप्यूटर में मौजूद डाउनलोड की हुई एक्सटेंशन को जो है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, हमारे पास एक एक्सटेंशन मौजूद होनी चाहिए पड़ी। तो जिस तरह ये मेरे पास विड आईक्यू की जो है एक्सटेंशन पड़ी हुई है प्रो वर्जन, तो इसे अब हम लोग जो है अपने जो है क्रोम ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम ऊपर जो है कॉर्नर के अंदर ये तीन नुक्ते जो हमें नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मोर टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर एक जो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डेवलपर मोड, डेवलपर मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है मज़ीद कुछ ऑप्शन जो हैं डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम अपनी एक्सटेंशन को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में है, इसे हम पहले जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, 2.2.0 के नाम से हमारा फोल्डर जो है बन चुका है। अब हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, लोड अनपैक एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी एक्सटेंशन वाला फोल्डर चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद इधर से हम लोग ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ओके के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास जो है हमारी विड आईक्यू वर्जन जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग भी इन स्टेप्स के ऊपर जो है अमल करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर अपनी जो है एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।